बरसाती मौसम के दौरान सड़कों में गड्ढे और दीवारें क्षतिग्रस्त होने की समस्या को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व पर धरने में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अधिकारियों की लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सड़कों के हालात का आकलन कर जल्द से जल्द सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन इसको लेकर किया। सड़कों में गड्ढे और दीवार क्षतिग्रस्त होने को लेकर उनकी ओर से धरना दिया गया है। अधिकारियों की लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त लहजे में कांग्रेस की ओर से कहा गया है। आंतरिक मार्ग हो शहर के, चाहे वो राज्य योजना की मोटर मार्ग हो चाहे अन्य मोटर मार्ग हो, लगातार उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है। तो और विभागीय अधिकारी को बार बार पत्र के माध्यम से मौखिक सूचना दी गई है कि भी इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए, और ये जिले का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी तक ना पैचिंग वर्क हुआ है ना गड्ढे भरे गए हैं। और इसके साथ साथ जो अल्मोड़ा विधानसभा की मोटर मार्ग राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत है, जिनका सैद्धांतिक प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उनका निर्माण कार्य त्वरित किया जाए, शीघ्र किया जाए। उसके साथ साथ जो मोटर मार्ग के आकलन भेजने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जो विधानसभा के अंदर, उनका तत्काल आकलन बना के उनको शासन को भेजा जाए। आज आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमारा अल्मोड़ा शहर है, अल्मोड़ा विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है हमारा, और सभी जितने भी हमारी अल्मोड़ा जिले का क्षेत्र है, आज आप अल्मोड़ा की स्थिति आप देखिए तो अल्मोड़ा में जहाँ जहाँ है हर 10-10 मीटर के बाद एक बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और इतने चेताने के बावजूद भी जो है विभाग ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। विधायक जी के नेतृत्व में आज ये आंदोलन का हमने आगाज किया है, और हमारी मांगे हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो है रोडें यहाँ की दुरुस्त की जाए। अगर रोडें अगर दुरुस्त नहीं की जाती हैं तो आने वाले समय में अगर मांगी नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में ऐसे अधिकारियों का हमें मुंह काला करना पड़ेगा, इनके ऑफिस की तालाबंदी करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति को हमें मजबूर ना करें ऐसा हमारा मानना है।